सुमन काव्यान वीडियो प्रशासन वीडियो प्रशासन वीडियो सुमन का अभियान वीडियो सुमन का अभियान वीडियो सुमन का अभियान वीडियो प्रशासन मुर्दाबाद वीडियो प्रशासन मुर्दाबाद सुमन का अभियान मुर्दाबाद सुमन का अभियान मुर्दाबाद वीडियो प्रशासन मुर्दाबाद वीडियो प्रशासन मुर्दाबाद सुमन का अभियान। चुनाव शुरू होने वाले हैं, जिसको लेकर अंबाला के साहा में बीडीओ कार्यालय में लापरवाही सामने आई है। बीडीओ कार्यालय में बैठकर अंबाला के साहा में एक महिला की फोटो का इस्तेमाल 135 बार वोटर लिस्ट में किया गया है, जिसकी वजह से लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। लोगों ने बीडीओ कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही बीडीओ पर बड़े आरोप लगाए कि बीडीओ दफ्तर में बैठकर ही इस तरीके की लापरवाही की गई है। लोगों ने बीडीओ अधिकारी पर आरोप लगाए कि हमारी फोटो का फेरबदल किस आधार पर किया गया है। गांव वासियों ने आरोप लगाए कि पिछले दो चुनावों से हमारी वोटर लिस्ट में बहुत कमियां हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस बार वोटर लिस्ट में एक ही महिला की फोटो का इस्तेमाल 135 बार किया गया है। अब हम सभी के सब्र का बांध टूट चुका है, जिसकी वजह से मजबूरन हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है जी, और मैं BDPO साहा खंड के ढकोला गांव का वासी हूं। हमारे गांव की जो अभी वार्ड बंदी के मुताबिक वोटर लिस्ट आई है, तो हमने जब उसको एक बारी चेक किया तो उसके अंदर हमारी वोटें दो नंबर वार्ड से चार में, चार से छः में और छः से सात में, इस तरह से काफ़ी लोगों की वोटें चेंज कर दी गई। तो ये जो हमारे गांव के वासी हैं, जब इन सब ने आपस में बैठ के बातचीत की तो इन्होंने बोला जी हमने तो ऐसी कोई एप्लीकेशन ना वीडियो कार्यालय को दी ना अपने गांव की BLO को दी, तो ये कैसे हमारी वोटें चेंज हो गई हैं। तो इसके लिए जब हम पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास, जो हमारे गांव में डिप्यूटेड है, उसके पास गए, उसने हमारे को कोई रास्ता नहीं दिया। उसके बाद जब हम BDO कार्यालय में दो दिन से चक्कर काट रहे हैं, उन्होंने हमारे को कोई रास्ता नहीं दिया, तो मजबूरन आज हमें धरने पर बैठना पड़ा। हमारी वोटर लिस्ट के अंदर इतनी कमियाँ हैं जिसकी हम बार बार गुहार लगाते आ रहे हैं पिछले दो चुनावों से भी, लेकिन इस बार हमारे सब्र का बांध टूट गया। हमारे गांव की वोटर लिस्ट के अंदर सबसे बड़ी कमी तो यह है कि कम से कम 135-140 वोटर के अंदर एक ही महिला की फ़ोटो है, ठीक है। जब उस महिला की फ़ोटो हमारी वोटर वोट के आगे लगी है, तो हमारे को कोई भी वोट डालने से रोक सकता है। वोट डालना हमारा मौलिक अधिकार है, हमें अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए ये कुछ इन गांव के शरारती तत्वों ने ये मिल BD दफ्तर के साथ मिलकर ये मिली भगत की है। उसके बाद जब हमारी कोई कंसेंट ही नहीं है कि हमने कहा ही नहीं कि हमारी दो नंबर से चार नंबर में, चार नंबर से छः नंबर में डालो, तो ये किसने डाली है। जब हमने इसके रिगार्डिंग BDO से बात की तो उसने भी हमारे से सीधे मुँह बात नहीं की। उन्होंने बोला मैंने तो आपके गाँव में सर्वे कराया, जबकि ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ, ठीक है। एक आम व्यक्ति जो कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन उसकी वोट जब वोटर लिस्ट छप जाती है तभी तो उसको पता चलेगा ना कि भाई मेरी वोटर लिस्ट के अंदर मेरी चार नंबर वार्ड में आज तक थी, तो वो अब छः में कैसे पहुंच गई या सात में कैसे पहुंच गई। तो आम आदमी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और ये सारा काम जो है BDO कार्यालय में बैठ के उन सरपंचों और अलग अनऑथराइज एक्टिविटीज़ के साथ मिलके ये प्रशासन कर रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। और आज हम सारे गांववासी इस BDO कार्यालय के बाहर धरने पे बैठे हैं, और हमारी प्रशासन से मांग है कि अगर हमारे गांव की वोटर लिस्ट और हमारी वार्ड बंदी हमारे गांव के लोगों के मन मुताबिक नहीं होगी, तो हम इस पंचायती राज चुनाव का ढकोला के ग्रामवासी पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। मलकी सिंह नाम है मेरा, पूर्व सरपंच हूँ ढकोला से, और मेरे सारे ढकोला वासी बैठे हैं जो इस BDO ऑफिस से इतने परेशान हैं। उसकी वोट उस वार्ड में बैठी, उसकी उस वार्ड में बैठी, और मेरे भाई प्रवीण ने बताया कि जो लिस्ट है वो भी गलत है। हम इस BDO ऑफिस में दो दिन का टाइम देते हैं, अगर हमारी शिकायत का निवारण नहीं हुआ तो हम दोबारा फिर यही दरी बिछा के बैठेंगे, और ये छोटा धरना फिर बड़ा धरना के रूप में हम यहाँ सारा बैठेंगे। जो भी हमारे ब्लॉक के गांव पड़ते हैं, हम सबको अपने साथ लेके बैठेंगे।